जिन्होंने एयरपोर्ट बनाए वो चोर, जिन्होंने एटम बम बनाए वो चोर, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर सीपैक बनाया वो चोर, जिन्होंने चाइना के साथ माशी दोस्ती के हाथ बढ़ाया वो चोर, जिन्होंने मुल्क के अंदर मोटरवेज बनाए वो चोर, जिन्होंने लाखों लोगों को रोजगार दिया वो चोर, जिन्होंने कर्जा 25,000 अरब डॉलर तक पहुंचा के पाकिस्तान को 2030 तक एशिया का सुपर मुल्क बनाने का कसम उठा के रखा वो चोर, और जिसने 25,000 से 52,000 अरब डॉलर तक कर्ज बनाया वो मुल्क का खैरखा, जिसने स्टेट बैंक IMF के हवाले की वो मुल्क का खैरखा, जिसने बिजली गैस पेट्रोल की कीमतें IMF को तय करने का इख्तियार दिया वो मुल्क का खैरखा, जिसने IMF को इजाजत दी कि सरकारी मुलाजिमीन के अकाउंटेबिलिटी करेंगे वो मुल्क का खान नहीं रो रहा, जिसके FIR होने पर व्हाइट हाउस को तश्वीश हो जाती है, जिस पर FIR लाउंज होने पर अक्वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को तश्वीश हो जाती है, जिसकी 60 अरब रुपए की करप्शन अलकादिर करप्शन केस में पकड़ी जाती है और उसमें उसकी गिरफ्तारी होती है और 60 अमरीकी सेनेटर्स जिनका ताल्लुक यहूदियों से है वो तिलमिला उठते हैं, जिसके लिए अमरीका में कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ इसराइल के तंजीम के सरबरा ब्रेड शर्मन के पेट में मरोड़ पड़ते हैं, जिसके लिए अमरीका के CIA के एजेंट, अमरीकी साबिक सफीर, अफगानिस्तान का बेड़ा गर्क करने वाले जलमे खलील जात के पेट में मरोड़ पड़ते हैं वो मुल्क का खैरखा, वो जलमे खलील जात जिसकी बीवी यहूदी है, चेरल बेनार्ड जिसने अमरीकी थिंक टैंक का किताब लिखकर पाकिस्तान के अंदर सूफीज्म सेक्युलरिज्म ढोल और थाप के दर्श दिए कि मुसलमानों का रास्ता रोकने के लिए मॉडर्न इस्लाम उतारफ कराया जाए, और ये अलकादिर यूनिवर्सिटी उसी चेरल बेनार्ड के उस थिंक टैंक के किताब के 18 नंबर सिफे पर लिखी हुई तजवीज पर इमरान अहमद खान नियाजी ने बनाई और 70 अरब रुपए की उसमें करप्शन की वो पाकिस्तान का खैरखा। इस मुल्क का वजीर आजम फांसी पर चढ़ जाता है, इस मुल्क के 3 वजीर आजम अदालत से कुर्सी से उतर जाते हैं, इस मुल्क के अंदर जमहूरियत के लिए आईन के लिए सियासी जमातों के वर्कर कोड़े खाते हैं, सियासी जमातों के वर्कर शहादतों के जाम नोश करते हैं, सियासी जमातों के वर्कर 9-9 महीने जेलों में अंदर रहते हैं, ये जेल सखर सेंट्रल जेल गवाह है कि कितने यहां MRD के तहरीक में सियासी वर्कर जेलों के अंदर रहे। इस मदरसे का मोहतमिम साबिक हमारे मरहूम मखदूम हजरत सैयद मोहम्मद मुराद हालेजवी साहब आपको इसी सेंट्रल जेल में MRD की तहरीक में नजर आएंगे, मोहम्मद शाह अमरोटी साहब आपको इसी सेंट्रल जेल में नजर आएंगे, उस्ताद गुलाम कादिर पंवार साहब इसी सेंट्रल जेल में नजर आएंगे, डॉक्टर खालिद महमूद सुमरो इसी सेंट्रल जेल में नजर आएंगे। लेकिन उस वक्त तो कोई मसला नहीं था, लेकिन एक बंदा नैब को मतलूब है, 70 अरब की करप्शन में मतलूब है, एक बंदा तोशाखाना केस में मतलूब है, एक बंदा नाजायज बेटी के केस में मतलूब है, एक बंदा इलेक्शन कमीशन को अमेरिका से इसराइल से हिंदुस्तान से फॉरेन फंडिंग केस में मतलूब है। अब जब वो गिरफ्तार होता है और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं कि इसकी गिरफ्तारी कानूनी है और रिमांड पर होता है, तो उसी रिमांड पर मुजरिम को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी मर्सिडीज गाड़ी भिजवाकर VVIP दरवाजे से बुलाकर नाइस टू मीट यू और गुड टू सी यू और विश यू गुड लक के एजाज से नवाज रहा है। मुझे बताएं कि उसके जवाब में क्या होता है।